सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मैं आप सबके सामने एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसके विषय में लगभग सभी हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रांति है। वैसे तो हमारे सभी पर्व त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व है। हम उन त्योहारों को मनाते भी हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और कई त्योहारों का हमें कारण भी पता है कि क्यों मनाया जा रहा है। पर उनमें से कुछ त्योहार ऐसे हैं जो हमारे समाज में, विशेष रूप से हिंदू धर्म में, सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं, और वो त्योहार हैं दशहरा और दीपावली। इन दोनों पर्वों को सबसे अधिक विशेषता के साथ और सबसे अधिक प्रसन्नता के साथ में मनाया जाता है। पर इसके मनाने का कारण क्या है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और यूं कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन लोगों को मालूम है वो भी इस बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे। और इसका कारण यह है कि जैसे ही हम पुरानी किसी मान्यता की खंडनी करते हैं तो जो उस मान्यता को मानने वाले लोग हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचने की संभावना रहती है। पर मुझे ऐसा लगा कि विशेष रूप से जो युवा हैं या जो बालक हैं, उनका ये अधिकार है कि वो हमारी परंपराओं के विषय में जाने, वो हमारे पर्व त्योहारों के विषय में जाने और वास्तविकता को जाने, अंध परंपरा को नहीं, वास्तविकता को जाने। इसीलिए मैं आप सबके सामने इन दो विषयों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। चूँकि विजयादशमी या जिसको हम दशहरा कहते हैं वो बहुत ही निकट है और बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जगह जगह पर रामलीला का नाटक होना प्रारंभ हो चुका होगा, सभी लोग उसका आनंद भी लेते होंगे, तो मुझे लगता है कि सभी को ये जानने का अधिकार है कि वास्तव में दशहरा क्यों मनाया जाता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। जो कारण बताया जाता है समाज में या जो कारण प्रचलित है वह ये है कि ऐसा माना जाता है कि विजयादशमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध किया था, और इसी से जोड़ करके दीपावली के त्यौहार को भी माना जाता है कि दीपावली के दिन लंका पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित लक्ष्मण, सीता और उनकी सभी वानर सेना पहुंची थी, और उसी खुशी में, उसी आनंद में अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। पर दर्शकवृंद, ये दोनों ही मान्यताएं भ्रांतिमूलक है और भ्रामक है। मैं दशहरा दीपावली मनाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर जो कारण हमें बताया जाता है वह गलत है, और सही कारण जानना इसीलिए भी आवश्यक है कि दूसरे धर्म के लोग, वैसे तो धर्म एक ही है पर यहाँ संप्रदाय को मैं धर्म कह रहा हूँ, कोई ईसाई, कोई इस्लाम का अनुयायी, यदि हमारे मत पर या हमारी मान्यताओं पर आक्षेप करेगा कि आप साबित करके बताओ, आप प्रमाणित करके बताओ कि विजयादशमी के दिन श्री राम ने रावण पर कैसे विजय प्राप्त किया था, तो आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रमाण है ही नहीं। तो वास्तविकता को जानना आवश्यक है। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि राम और रावण का युद्ध विजयादशमी के दिन समाप्त नहीं हुआ था, और इस समय तो युद्ध हुआ ही नहीं था, और उसको जानने के लिए हमें रामायण की तरफ अपना रुख करना होगा, और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सर्वाधिक प्रामाणिक है। जितने भी रामायण हैं वो वाल्मीकि रामायण को ही आधार मान करके लिखे गए हैं। तो वाल्मीकि जी ने क्या बताया है, उन्होंने क्या लिखा है, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पूरे समाज में एक बात प्रचलित है, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, कि उन्होंने जो कह दिया
वो पूरा करेंगे। और विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में कहा जाता है कि वो जो कहते थे वही करते थे, उनकी बातों में तिल मात्र का भी हेरफेर नहीं होता था। और ये मैं इसीलिए भूमिका बांध रहा हूँ ताकि पता चले कि श्री राम लौट करके कब आए थे। उसके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि गए कब थे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास है, तो जब गए होंगे उसी के आधार पर 14 वर्ष का वनवास मनाया जाएगा। और वनवास कब मिला था या वनवास के लिए कब प्रस्थान किए थे, उसको जानने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि श्री राम का राज्य अभिषेक कब होना निश्चित हुआ था। तो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 3rd सर्ग के 4th श्लोक में कहा है कि चैत्रम श्रीमानयम मास पुण्य पुष्पित कानन यौव राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पत्याम। इसमें क्या कहा जा रहा है कि महर्षि वशिष्ठ दशरथ से कहते हैं कि देखिए वनों में पुष्प आ गए हैं और ऐसी शोभा से युक्त यह पवित्र चैत्र का महीना है और इसमें श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी की जाए। चैत्र का महीना है और अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी जो महीना है वो आश्विन का महीना है, दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। तो चैत्र के महीने में श्री राम का राज्य अभिषेक होना निश्चित हुआ और जब राज्य अभिषेक निश्चित हुआ उसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है कि किस तरह से मंथरा के कहने पर कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास की तरफ प्रस्थान करते हैं, शोक में दशरथ महाराज का देहावसान हो जाता है, भरत आते हैं और उनके शव को यूं कहा जाए कि दाह संस्कार करते हैं और श्री राम से मिलने के लिए वो जाते हैं, श्री राम को ढूंढते हुए कि उनको मना करके वापस लाया जाए। जब भरत पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जब भरत की भेंट होती है श्री राम से तो बहुत मनाने का प्रयास करते हैं पर फिर भी श्री राम मानते नहीं हैं कि अब मैंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में प्रस्थान किया है, जब तक 14 वर्ष नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा और तब तक तुम्हें ही राज्य का पालन पोषण करना है, तुम्हें प्रजा का पालन करना है और कैसे पालन करना है ये सारा उपदेश भी श्री राम ने दिया है जिसे हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं। तब भरत कहते हैं कि जो दिन आपने निश्चित किया है अर्थात 14वां वर्ष जब समाप्त होगा उसके बाद यदि आप एक दिन की भी देरी करेंगे तो मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा अर्थात मैं अग्निदाह ले लूंगा। क्या कहते हैं वो कि चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हूताशनम, कि 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर यदि मैंने आपको अयोध्या में नहीं देखा, यदि मैंने आपका दर्शन नहीं किया तो मैं अग्नि में कूद कर भस्म हो जाऊंगा। ये अयोध्या कांड के 80वें सर्ग का 20वां श्लोक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि न श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा होने से पहले लौट सकते हैं क्योंकि 14 वर्ष का तो वचन दिया है और न वो ज़्यादा देर कर सकते हैं, जब 14 वर्ष पूरा होना था उसके बाद ही श्री राम को वापस आना था। अब जब लौटते हैं वापस आते हैं तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को वो पहुंचते हैं आश्रम में, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए, आज आप इसी आश्रम में मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए। उनके मन में ये भाव था कि यदि मैं समय पर नहीं पहुँचा तो भरत अपना वचन पूरा करेंगे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा और हनुमान जी ने जा करके संदेश दिया कि श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं और वे कल यहाँ पर पहुँचेंगे। ये
युद्ध कांड का 70वां सर्ग है और उसका पहला श्लोक है कि पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मण अग्रज, पंचमी तिथि को लक्ष्मण के अग्रज भरद्वाज आश्रमम प्राप्यम ववंदे नियतो मुनिम। तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उनकी वंदना की, उनकी प्रार्थना की और उसके बाद जा करके हनुमान जी ने यह सारा विवरण दिया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि श्री राम चैत्र के महीने में अयोध्या वापस पहुंचे थे। तो इस आधार पर कार्तिक में दीपावली में वापस पहुंचना तो किसी भी अवस्था में सिद्ध नहीं होता। और कुछ और प्रमाण से मैं आपको प्रमाणित करता हूं। देखिए, राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और मित्रता में कुछ नियम थे, कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ संधि हुई थी कि श्री राम बाली का संहार करने में, बाली का वध करने में सुग्रीव की सहायता करेंगे और सुग्रीव सीता माता को खोजने में श्री राम की सहायता करेंगे। अब बाली को तो श्री राम ने मार दिया, सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया गया और उसके बाद चतुर्मास प्रारंभ होता है, सावन का महीना शुरू हो जाता है और वर्षा होती है। अब वर्षा के समय में तो खोजने के लिए निकलना संभव नहीं था क्योंकि एक तो जंगल और छोटी छोटी नदियों में पानी के भर जाने से पार कर पाना मुश्किल होना था। इसीलिए श्री राम ने क्या कहा कि पूर्वो अयम वार्षिको मास श्रावण सलिलागम प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संजिका। कि कहते हैं कि हे सुग्रीव, ये वर्षा काल का चौमासा उपस्थित हो गया है, ये चौमासा आ गया है और उसमें ये पहला सावन मास है और इसमें हम सीता माता को खोजने के लिए, सीता को खोजने के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए आप अभी के लिए अपनी राजधानी किष्किंधापुरी में जाइए। न अयम उद्योग समय प्रविश त्वं पुरीं शुभाम अस्मिन् वत्स्याम्यहम सौम्यम पर्वते सह लक्ष्मण। आप अपनी पुरी में अर्थात किष्किंधापुरी में प्रवेश करें और मैं वर्षा काल की समाप्ति तक लक्ष्मण के साथ इसी पर्वत पर रहूंगा। और उसके बाद 4 मास समाप्त हो गए और कार्तिक का महीना जब प्रारंभ होना था तो श्री राम ने क्या कहा कि चतुर्मास समाप्त हो जाएगा, जब कार्तिक का महीना प्रारंभ होगा तब तुम सीता को खोजने के लिए और रावण के वध के लिए प्रयत्नशील होना। कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधे यत एष न समयः सौम्यः प्रविश त्वं सोमालयम्। इस श्लोक में कहते हैं कि जब कार्तिक का मास आरंभ हो तब तुम रावण के वध के लिए यत्नशील होना। तो कार्तिक का महीना आरंभ होता है, 4 महीने समाप्त होते हैं वर्षा के, सावन भादो आश्विन और कार्तिक का महीना। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जिसको हम आजकल मानसून कहते हैं या वर्षा ऋतु कहते हैं वो कुछ दिनों का फर्क पड़ता है, कुछ दिनों का अंतर होता है। तो कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ और उसके बाद भी कुछ दिन बीत गए। सुग्रीव अपने राज्य भोग के आनंद में जब लिप्त हो गए तो श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ जा करके उसे समझाओ। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि जाओ जा करके उसको समझाओ कि जिस रास्ते से बाली गया है अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है, यदि तुमने अपने वचन को पूरा नहीं किया, यदि तुमने अपने वचन को नहीं निभाया तो जिस रास्ते से बाली गया है उसी रास्ते से मैं तुम्हें भी भेज दूंगा। ये एक धमकी थी। खैर, तो लक्ष्मण क्रोध में भर करके जाते हैं, सुग्रीव को धमकाते हैं। उसके बाद सुग्रीव अपने सभी वानर सेना को, यहाँ वानर मतलब बंदर नहीं, इस विषय में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि वानर क्या है, बंदर क्या है, क्या हनुमान इत्यादि बंदर थे, पर अभी के लिए हम वापस विषय में आते हैं। उन्होंने, सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और सब लोगों को, सभी सेना को 4 भागों में बांट दिया और अलग अलग दिशाओं में भेजा और कहा कि तुम 1 महीने से अधिक समय मत लगाना सीता माता को ढूंढने में और एक अपनी अपनी दिशा में 1-1 महीने तक ढूंढना, जो खोज करके वापस आएगा
सीता माता की सूचना देगा, उसको मेरे समान ही वैभव, मेरे समान ही आनंद की प्राप्ति होगी, मैं उसे धन धान्य से संपन्न कर दूंगा, और जो नहीं खोज पाता है वो वापस मत आना, वो अपना मुख मत दिखाना, इस तरह से उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा। उसके बाद एक महीना और लगा, सोचिए एक महीने तक ढूंढते रहे, उसके बाद भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद फिर हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी ढूंढते हुए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। संपाति के द्वारा, संपाति जो है वो जटायु के भाई थे, संपाति के द्वारा पता चलता है कि यहाँ से दक्षिण में लगभग 100 योजन की दूरी में एक टापू है, और वहाँ पर विश्रवा के पुत्र रावण का राज्य है, और वही एक स्त्री का यहाँ से हरण करते हुए लेके जा रहा था, और वो हे राम हे लक्ष्मण चिल्ला रही थी, तो मुझे लगता है कि वही सीता होंगी, और वो अभी भी मैं अपने दूरदृष्टि से या दूरदर्शक यंत्र से देख पा रहा हूँ कि वो अभी भी लंका में है। उसके बाद हनुमान लंका पहुँचते हैं, लंका पहुँच करके सीता माता की खोज करते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, और लंका में आग लगाते हैं। किस तरह से लंका में आग लगती है, कैसे वो वहाँ से वापस लौटते हैं, वापस लौटने के बाद समुद्र में पुल बनाया जाता है, सोचिए इसमें भी तो कई दिन लगे होंगे, समुद्र में पुल बनाने से पहले भी 3 दिन की आराधना करते हैं। उसके बाद पुल बनाया गया, पुल बनाने के बाद फिर युद्ध हुआ, युद्ध कितने दिन का हुआ वो भी आप सब जानते हैं। तो इस तरह से चैत्र महीने से पहले फाल्गुन के महीने में श्री राम ने रावण का वध किया, क्योंकि युद्ध कांड के चौथे सर्ग में बताया गया है कि उत्तर फाल्गुनी ही अद्य स्वस्तु हस्तेन युक्षते अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीक सभावृता। क्या कहते हैं कि श्री राम कह रहे हैं कि आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और कल से हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा, इसलिए हे सुग्रीव इस समय पूरी सेना लेकर चढ़ाई कर दो। तो फाल्गुन के महीने में श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया और फिर युद्ध होने लगा। और उसी युद्ध के समय में एक दिन रावण के एक मंत्री ने रावण को क्या परामर्श दिया कि अभ्युत्थानम त्वम अद्यैव कृष्ण पक्ष चतुर्दशीम कृत्वा निर्याद्य मावश्याम विजयाय वलैर्वृतः, कि तुम आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उद्योग आरंभ करके कल अमावस्या को सेना से युक्त होकर विजय के लिए निकलो। तो देखिए फाल्गुन महीने में युद्ध प्रारंभ हुआ था और चैत्र महीने की अमावस्या को रावण मारा गया था, क्योंकि जिस दिन वो युद्ध के लिए निकला पहले तो और सेनापति वगैरह आते रहे ना, तो रावण युद्ध करने के लिए निकला था अमावस्या को, और अमावस्या को ही रावण मारा गया था चैत्र मास की अमावस्या को। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विजयादशमी का अथवा दशहरा का संबंध राम के द्वारा रावण के मारे जाने से कदापि संबंधित नहीं है, और जब रावण ही चैत्र के महीने में मरा है, तो चैत्र महीने की अमावस्या में मरा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि विजयादशमी उस दिन मनाई जाती है, और जब विजयादशमी का वो कारण नहीं है तो दीपावली का भी वह कारण सिद्ध नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि दशहरा और दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो कारण ये है कि हमारा देश और विशेष रूप से हमारे यहाँ के जितने भी राजा हैं, हमारे यहाँ धर्म युद्ध की परंपरा रही है। धर्म युद्ध में बहुत सारे नियम होते हैं और उन्हीं नियम में से एक है कि शत्रु को भी तैयारी करने का समय दिया जाता है। वर्षा ऋतु में कोई भी युद्ध नहीं करता था, वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद, ये चतुर्मास के समाप्त होने के बाद राजा या बड़े बड़े महाराजा अपने युद्ध अभियान पर निकलते थे, और युद्ध अभियान पर निकलने से पहले, और यही प्रसंग रामायण में भी आया है, तो युद्ध अभियान पर निकलने से पहले वे तैयारी करते थे, उन तैयारियों में वीरों की गाथाओं का गायन इत्यादि किया जाता था। तो राम और रावण का जो युद्ध हुआ इस आश्विन के महीने में, जब हम दशहरा मनाते हैं, तो राम और रावण के लीला को, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला को यहाँ पर दोहराया जाता है, नाटकीय रूप से मंचन किया जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस दिन राम ने रावण को मारा था। सोचिए
कि जब आप रामलीला करते हैं, यदि पहले दिन रामलीला के जो 10 दिन में से पहले दिन श्री राम का जन्म दिखाते हैं, तो क्या इस महीने में राम का जन्म हुआ है? ऐसा नहीं है ना। तो इस समय केवल नाटक किया जाता था, युद्ध की तैयारी होती थी चतुर्मास के बाद, और नाटक में किसका नाटक करेंगे? वीरों का। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वीर कोई हुआ होगा? इसीलिए उनकी लीला का नाटक किया जाता था। तो ये विजयादशमी मनाने का, दशहरा मनाने का ये कारण है। आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे, वहाँ तो इस कथा को भी नहीं माना जाता है, वहाँ तो कोई दूसरी कथा प्रचलित है। वहाँ पर माना जाता है कि आज के दिन देवी ने महिषासुर का संहार किया था। तो वास्तविकता इससे भिन्न है। और इसी तरह से दीपावली मनाए जाने का कारण भी यही है कि जो कारण बताया जाता है वो कैसे नहीं है वो तो मैंने बता दिया। और मनाने का कारण क्या है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में अभी धान का मौसम चल रहा है, और कुछ दिनों के बाद में कटाई शुरू हो जाएगी। प्रत्येक घर में, प्रत्येक किसान के घर में धन धान्य से संपन्न होते हैं लोग। धान की खेती जो है वो पूरी तरह से उसको, धान को काट करके उसको झाड़ करके अपने घरों में रखा जाता है, तो घरों में भंडार होते हैं, तो खुशी मनाई जाती है। और उस खुशी मनाने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो हर कार्य में परमात्मा का धन्यवाद देने की प्रवृत्ति रही है, तो परमात्मा का धन्यवाद देने के लिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में इस तरह से धन धान्य भरा है, तो हमारे यहाँ हवन की परंपरा थी, यज्ञ की परंपरा थी। और क्योंकि अमावस्या के दिन हवन इसीलिए किया जाता था विशेष रूप से, क्योंकि अंधकार के दिन ही दिया जलाए जाने का और अधिक महत्व है, आग जलाने का और अधिक महत्व है। तो अमावस्या के दिन सभी लोग हवन करते थे, और हवन के और बहुत सारे लाभ हैं जिसके विषय में हम पहले भी किसी वीडियो में कह चुके हैं, भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो और भी कह सकते हैं, या आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो हवन किया जाता था दीपावली के दिन। धीरे धीरे क्या हो गया, हवन की प्रक्रिया बंद होने लगी, और हवन का स्थान किसने ले लिया कि चलो इतना ज़्यादा घी नहीं है, गोपालन लुप्त होता गया, तो उसके जगह पर हमने घी के दिए जलाने प्रारंभ किए। धीरे धीरे वो भी लुप्त होता गया, और उसके जगह पर हमने तेल के दिए जलाने प्रारंभ किए, और आज तो वो भी हट गया। और किसी किसी जगह पर तेल के दिए या घी के दिए जलाए जाते हैं, कुछ कुछ समाज में जैसे आर्य समाज इत्यादि में हवन किया जाता है, अन्यथा अधिकांश स्थानों में तो चाइनीज जो लाइट है, लड़ियां हैं, उन्होंने ले ली है। वास्तविकता ये थी कि हमारे यहाँ हवन होता था, खुशियाँ इस तरह से मनाई जाती थी। तो दर्शकवृंद, मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से, मेरी आज की इस प्रवचन से, प्रवचन तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये एक जानकारी मूलक वीडियो है, तो इससे आपको इस बात की तो जानकारी मिल गई होगी कि हमें आज तक जो बताया जा रहा है मौखिक रूप से, परंपरागत रूप से, वो एक भ्रामक इतिहास था। और अच्छी तरह से इसको आपको जानना है, गहराई से जानना है, तो आप वाल्मीकि रामायण का स्वयं अध्ययन कीजिए। और हाँ, जो मैंने कारण बताए और जो मैंने जिन कारणों का मैंने विरोध किया, इसका तात्पर्य आप ये मत समझना कि मैं दशहरा और दीपावली मनाए जाने का विरोध कर रहा हूँ। आप दशहरा मनाइए, और दशहरा मनाते हुए जिस तरह से वीर गाथाओं का गायन किया जाता है, नाटकीय रूप से मंचन किया जाता है, आप याद कीजिए। आप मिठाई बनाइए, खाइए, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उन सबको शुभकामनाएँ दीजिए, आनंद मनाइए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, दीपावली भी उसी तरह से मनाइए, सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरिए, अपने हृदय में भी ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश भरिए, अपने अंदर के विकार रूपी जो बुराई है उस पर विजय प्राप्त कीजिए। तो ये वास्तव में दीपावली मनाना, विजयादशमी मनाना होगा। आप हर प्रकार से खुशी मनाइए, पर हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखिए कि कई जगह पर दशहरा मनाए जाने के नाम पर, देवी को प्रसन्न करने के नाम पर जानवरों की बलि दी जाती है, जानवरों का खून चढ़ाया जाता है, ये वास्तव में राम का धर्म नहीं है। ऐसा धर्म तो रावण का है ना, ये देवी का धर्म नहीं है, ये तो राक्षस का धर्म है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इतना ही कहते हुए मैं सभी को आने वाले दशहरा, जिसको हम विजयादशमी कहते हैं, उसकी भी शुभकामनाएं देते हुए
दीपावली की भी शुभकामना देता हूँ। और तब तक, जब तक दीपावली नहीं आ जाती, तब तक आप इस जानकारीमूलक वीडियो को प्रत्येक हिंदू के या प्रत्येक सनातनी के फ़ोन तक पहुँचाएँ, उसे व्हाट्सएप से या विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुँचाइए, ताकि उसे भी हमारे अपने इतिहास की वास्तविक जानकारी हो सके। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी, धन्यवाद।